हेलो, राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज डे में देव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? हरियाणा पीआरटी टीचर बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। जान लीजिए, अगर आपके पास इनमें से कोई योग्यता नहीं है तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा लीजिए। टीचर भर्ती से संबंधित सभी जानकारी इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में जेबीटी टीचर बनने के लिए आपके पास निम्न योग्यता होनी जरूरी है। नंबर एक, आपके पास प्लस टू में 50% नंबर होने जरूरी हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस टू में 50% नंबर होने जरूरी है। उसके बाद जेबीटी हो, चाहे एसटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, ठीक है, जो भी अलग अलग नाम से जानी जाती है, में आपके 45% अंक होने जरूरी है, ठीक है, 45% अंक होने जरूरी है। उसके बाद आपके पास दोनों में से किसी एक में, आपके पास प्लस टू या फिर जेबीटी, किसी एक में 50% अंक जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास प्लस टू में 50% अंक नहीं है और आपके जेबीटी में 50% अंक ज़्यादा होने चाहिए, फिर आपके 45 नहीं होने चाहिए, इसमें 50 होने चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आपके कम है तो, इसमें आपके कम है तो इसमें आपके ज़्यादा होने चाहिए, इसमें ज़्यादा है तो इसमें कम होने चाहिए, ऐसे आपकी आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हरियाणा सरकार का HSSC पास होना चाहिए जो न्यूनतम 60% अंक से अधिक हो, ठीक है। CTET यहाँ पे मान्य नहीं होगा, HSSC आपके पास पास होना चाहिए। ये सभी योग्यता अगर आप रखते हैं तो आप JBT टीचर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भर्ती निकाली जाती है, उसमें एक टेस्ट होता है, ठीक है। वो टेस्ट क्लियर करते, ये तो है टीचर बनने की पूरी योग्यता। उसके बाद वो टेस्ट होता है, वो टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद, अभी फिलहाल ग्रुप सी का इंटरव्यू हटा दिया गया है तो इंटरव्यू आपका होगा नहीं, वो टेस्ट आपका होगा। टेस्ट के रिटर्न के नंबर के आधार पर आपका ज्वाइनिंग होगी। तो छोटा सा प्रोसेस था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे सभी का दिन शुभ रहे।